यूपी पुलिस अपनी कार्यशैली को लेकर कई बार सवालों के घेरे में रहती है। यूपी पुलिस अब अपने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को आत्मविश्वास और विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी को अंजाम देने के लिए भगवत गीता का सहारा लेने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े परीक्षण संस्थान में एक मुरादाबाद स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेडमी में अधिकारियों और ट्रेनिंग कर रहे कैडेट को भगवत गीता के जरिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक व्यवहारिक जीवन की दिक्कतों से निपटने के लिए भगवत गीता के श्लोक संजीवनी की तरह हैं। गीता, श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही विशद विषय है और इसके संबंध में मेरे द्वारा अभी एक घंटे का लगभग ये लेक्चर इनको व्याख्यान दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता की हमारी पुलिस विभाग में क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर इनको विस्तृत रूप से समझाया गया। गीता, श्रीमद् भगवत गीता के संबंध में दिए गए जितने भी दृष्टांत हैं, महाभारत के दृष्टांत, उनके माध्यम से इनको सारी चीज़ों को बताया गया है। कर्म और कर्तव्य के प्रति इनको जगाया गया है, जागरूक किया गया है। और जिस तरह से हमारी पुलिस विभाग में कई एक ऐसी चीज़ें और समाज में भी ये देखने को मिलता है कि लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि आज की वैज्ञानिक चमक दमक में वो हमारा समाज आगे ज़्यादा बढ़ रहा है, आध्यात्मिक रूप से हमारा समाज पीछे छूटता जा रहा है। और उसी समाज से हमारे विभाग में भी सब इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल्स ये सभी आते हैं। अतः हमने आज ये कार्यशाला ADG सर के निर्देशन में आयोजित की गई है कि इन सभी रिक्रूट्स को, इन सभी उपनिरीक्षक को, पुलिस उपाधीक्षक गणों को इस संबंध में बताया जाए, ब्रैंड वॉश किया जाए, जिससे कि हमारे विभाग में रहते हुए ये अच्छी समाज की सेवा कर सकें, निस्वार्थ भाव से ड्यूटी का संपादन कर सकें तथा ये किसी भी प्रकार से अवसाद से ग्रसित ना हो। और इनको बताया गया कि किसी भी प्रकार के लोभ और लालच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है जीवन में। वो हमेशा लोभ है पापस्य कारणम, हमेशा वो पाप का कारण होता है। आज दृष्टांत दे करके इनको गहन रूप से समझाया गया है, बताया गया है। आवश्यकता अनुसार आगे भी इस तरीके के क्लास जारी रखने का रखा जाएगा।